यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सुंदर नाम के द्वार पर लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पत्रस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पत्रस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि इसे मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम
तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से की है। हमारे जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को चित्र सहित सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।